खबर की तलाश दिल्ली के एक छोर से दूसरे छोर तक की जा रही थी। इसी सिलसिले में हम उस पड़ाव पर पहुंचे जहां की दुनिया में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। उस अंधेरे पर पहुंचकर थम जाना या अपनी पड़ताल को रोक देना हमारा मकसद नहीं था। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, इंडिया गेट के आसपास का खुला विशाल मैदान, हर वक्त जलने वाली अमर जवान ज्योति, पुरानी दिल्ली की तंग और संकरी गलियां, चांदनी चौक, लाल किला, ये तमाम वो चीजें हैं जिनसे मिलकर दिल्ली बनती है। दिल्ली राजनीतिक शक्ति। ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक विविधताओं वाला शहर, सौ साल पुरानी दिल्ली रफ्तार पकड़ चुकी है। इस रफ्तार में फ्लाईओवर से गुजरती गाड़ियों की रोशनी आंखें चौंधिया देती है। चकाचौंध दिल्ली की इस छिलमिल तिलिस्म के बीच सजा है एक ऐसा बाजार जिसमें पहुंचने वाले इंसानों ने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। सुबह की अपनी डोज ये ले चुके हैं जिसका असर इन पर साफ देखा जा सकता है। पार्किंग लगाते हैं। अब ये है कि पहले हम यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 5,000 आदमी है, नशा करते हैं और बेचारे मैक्सिमम कह रहे हैं कम से कम 5,000 आदमी रहता है। यमुना बाजार के हनुमान मंदिर के सामने बने इस फ्लाईओवर के नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग है। बाहरी दुनिया से ये खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसका आभास हमें तब हुआ जब हमारी टीम पर नजर पड़ते ही युवाओं का एक ग्रुप आक्रामक हो गया। दूसरी चुनौती तब आई जब शूट करते वक्त तकरीबन 14 साल के एक बच्चे ने धमकी भरे लहजे में यह कहा कि हमारी फोटो अगर ली है तो उसे नष्ट कर दो। इस उम्र वालों के बीच फ्लूट का नशा ज्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे वाइट सोल्यूशन और थिनर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। शुरू में तो इन्हें यह मुफ्त में मिल जाता है लेकिन एक बार लत लग जाने के बाद इन्हें अपराध की दुनिया में उतार दिया जाता है। कई को सेक्स की जरूरत पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अपनी दुनिया में ये नशे की लत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बटे हैं। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में घुसपैठ करना सख्त मना है। अगर कोई सदस्य किसी नए ग्रुप में शामिल होना चाहता है तो शर्त ये होती है नए सदस्य को उस ग्रुप के पुराने सदस्यों को दावत देनी है। कबीर भी उन्हीं में से एक है जिसने खुद को नशे की इस दुनिया में शामिल कर लिया। सन 90 से कर रहे हैं, 92 से। पहले तो दारू का नशा करते थे, फिर धीरे धीरे हमारे फिर गांजा आंजा और ये ड्रग्स वगैरह लग गई। अब मजबूरन जब नशे में एक चीज में लग गए तो एक दूसरा नशे का सहारा लेने के लिए हमको दूसरा नशा करना हो। इंजेक्शन का नशा बस इस तरीके का होता है, समझ लीजिए कि जैसे सब कुछ कर लिया शरीर में, जब हमको खाने की या कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब आदमी उसके बाद में उसके बिना रह नहीं पाता है।
थोड़ी बातचीत के बाद कबीर का भरोसा जीतने में हम कामयाब रहे। कबीर की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हम अक्सर ये सोचा करते थे कि हनुमान मंदिर के पास ही क्यों बसी नशे की ये दुनिया। इसका जवाब भी हमें उसी फ्लाईओवर के नीचे मिला। जवाब ये था कि दिन भर में जितनी आमदनी होती है उसे नशे पर खर्च कर दिया जाता है। खाने के लिए पैसे नहीं बचते, लेकिन मंदिर से इनके खाने की जरूरत पूरी हो जाती है। कबीर की तरह राजू भी बाजार के इसी इलाके में अपने नशे की जरूरत को पूरा करता है। मारते रहते, फिर किसी ने दिखाया ये रास्ता, फिर हम इसी रास्ते में भटकते हैं शुरू से ही। आज 8 साल से हो गए, 24 साल हो गए हमारे यहाँ पे रहते रहते। अब अपने घर जाते हैं तो घर वाले प्यार भी करते हैं, रख लेते हैं, फिर मूड होता है घर वाले भगा देते हैं, भगा भगा के फिर यही रास्ता ही मिलता हमें। फिर यहाँ पे ना 2 महीने 3 महीने 4 महीने पूरी 12 महीने यही काट लेते हैं। तुम्हारे घर में कौन था? हमारे घर में हमारी अम्मी है, पापा हैं, सिस्टर है और मैं हूँ। राजू ने शुरू में मौज मस्ती के लिए गांजा का इस्तेमाल शुरू किया जो बाद में एक लत में बदल गया। घर वालों ने राजू को खुद से अलग कर दिया और राजू ने हनुमान मंदिर के सामने बने फ्लाईओवर को अपना ठिकाना बना लिया। नशे ने केवल उन्हें ही बीमार नहीं किया है जो इसकी गिरफ्त में है, बल्कि उस परिवेश को भी बीमार कर दिया है जहां हजारों लोग बेसुध होकर फुटपाथ पर सोए रहते हैं। दुकानदार से लेकर यहां तक गुजरने वाले सब इससे परेशान हैं। अपने पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए इनमें से कई लोग चोरी, छीना झपटी जैसे अपराध में शामिल हो चुके हैं। यहां मंदिर की वजह से चहल पहल रहती है। मंदिर में भक्तों की भीड़ से इन्हें खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। नवीन उनमें से है जो सालों से यहाँ अपनी दुकान चलाते हैं। नशे में चोरियां भी करते हैं, सब वो है यहाँ पे जमुना विहार जो है इन्हें, ये मतलब मंदिर परिसर को मतलब काफी इससे वो है, बड़ा एक मतलब हिंदू होने के नाते हमें बड़ा बुरा लगता है कि हम मतलब एक मंदिर के परिसर के आसपास जो है भिखारी लोग ठहरे हैं। इंसान जब नशे का शिकार हो जाता है तो अपने नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान को पैसे की जरूरत पड़ती है और इस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए नशे के शिकार लोगों को सबसे आसान तरीका लगता है क्राइम की दुनिया। इस क्राइम की दुनिया में वो पहले तो छोटे मोटे क्राइम करता है, लेकिन जब छोटे मोटे क्राइम से उसके पैसे की जरूरत पूरी नहीं होती तो उसके बाद वो बड़े क्राइम की तरफ भी रास्ता अख्तियार कर लेता है। मंदिर से किसी तरह पेट की जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन नशे की जरूरत पूरी करने के लिए पैसे चाहिए। शरीर मेहनत करने लायक बचा नहीं है, इसीलिए अपराध का रास्ता अपनाने से इन्हें परहेज नहीं है। आप रात को यहाँ पे आ नहीं सकते, रात को जब आएंगे तो आपको ये मतलब चाकू दिखा के या कुछ दिखा के टूटपाट करते हैं। इनमें कई है, मतलब ज़्यादातर नहीं है, मतलब ऐसे भिखारी मतलब हैं इनमें से कुछ, मतलब जैसे आप ही लगा लो कि 40% तो मतलब मेरे हिसाब से कि वो होंगे भिखारी जो लूटपाट भी करते हैं। इस एरिया में जो है बहुत चेन स्नैचिंग होती है, मतलब आदमी लोग आफ्टर अब्यूजिंग ड्रग्स अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद ये सब बहुत मतलब बहुत गुंडागर्दी एंड ये सब होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसका सीधा रिलेशन है कि उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और बेसिकली वो बहुत गरीब बैकग्राउंड के होते हैं तो इसलिए ये सब करते हैं। मोबाइल फोन्स हैं, कोई चोरी ना कर ले, चेन स्नैचिंग है, ये सब बहुत कॉमन है और ये सब तो आई थिंक नॉर्मल लोग भी करते हैं, बट ये ज़्यादा जो कॉमन है वो अमंग दीज पीपल, काइंड ऑफ दीज पीपल्स हैं जो कि ड्रंकर्स हैं और इधर उधर साइड पे ऐसे होते हैं फुटपाथ और उन सब पे, तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। नशे ने हर वर्ग के लोगों को बीमार बनाया, इनमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी।
नशे के संसार में डूब चुके हजारों की भीड़ वाले उन लोगों को दोबारा से नई जिंदगी देने के लिए हर स्तर पर काम करने की जरूरत है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो अवेयरनेस का काम और ज़्यादा करें और जो रिहैबिलिटेशन, जो मान लीजिए एक बार पकड़े जाते हैं या उनको सज़ा हो जाती है, उनके रिहैबिलिटेशन का काम भी अगर हो तो हो सकता है कि वो लोग दोबारा इसमें ना आए। सरकार, उस सरकार के अलग अलग तंत्र, एनजीओ, सभी को काम करने की जरूरत है। इसी कड़ी में हमने दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री संदीप कुमार से सरकार के स्तर पर की जा रही कोशिशों के बारे में जानने की कोशिश की। एडिक्शन प्रोग्राम चला रहे हैं, बच्चों को जहां भी होंगे वहां से उनको मुक्त कराया जाएगा, और इसके सरकार के कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पर इनको रखा जाता है और नशे की लत छुड़वाई जाती है, और सरकार विशेष ध्यान दे रही है इस जो फाइनेंशियली आ रहा है इसमें, इनके लिए जो भी मुहैया करवाया जाए, जैसे भी करवाया जाएगा, किसी बच्चे को भी जहां भी जरूरत होगी सरकार की, वो उनके साथ खड़ा रहेगा और बिल्कुल अच्छे से करेंगे इसको। दिल्ली से नशे को मिटाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से यूं तो कई मिशन चलते हैं, लेकिन ये मिशन कागजों पर ज्यादा और जमीन पर कम नजर आते हैं। यही वजह है कि दिल्ली इस वक्त एक बड़ी नशा मंडी बन चुकी है। दिल्ली सरकार के नए मंत्री इसका जिम्मा दिल्ली पुलिस पर डालते हैं, यानी जिम्मेदारी को लेकर झगड़ा चल रहा है। ऐसे झगड़े के बीच सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब जिम्मेदारी को लेकर झगड़ा है तो फिर नशा मुक्त दिल्ली का सपना कैसे और कब पूरा होगा।